एक छोटी मगर अमीर तरीन रियासत, एक ऐसी रियासत जिसकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा आलमी सतह पर मसाजिद की तामीर और दावत व तबलीग के साथ साथ फलाही सरगर्मियों में इस्तेमाल होता है। एक ऐसी रियासत के जिसे अपनों के जुल्म सितम और कब्जे का सामना करना पड़ा। एक ऐसा मुल्क जहां मकामी बाशिंदों से दो गुना गैर मुल्की आबाद हैं। कुवैत खलीज अरब में वाके तेल की दौलत से माला माल और तेल का छठा बड़ा आलमी एक्सपोर्टर इस्लामी मुल्क है। इसकी सरहद शिमाल में इराक के साथ 254 किलोमीटर तक और जनूब में सऊदी अरब के साथ 221 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके शिमाल मगरिब में खलीज अरब के साहिल वाके हैं। कुवैत का शुमार दुनिया के नहायत छोटे ममालिक में होता है। कुवैत के बड़े हिस्से को सहराए अरब ने घेर रखा है। जगह जगह कम ऊंचाई वाले रेत के टीले नजर आते हैं। कुवैत में सबसे बुलंद पहाड़ खश्म गुज़े की ऊंचाई सिर्फ 110 मीटर है। इस जजीरा नुमा मुल्क के आसपास तकरीबन 9 जजीरे मौजूद हैं। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी कुल आबादी गवर्नमेंट ऑफ कुवैत के मुताबिक तकरीबन 35,42,099 नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें 60% मर्द और 40% औरतें हैं। कुवैत में मकामी बाशिंदे 31.3%, दीगर अरब 27.9%, एशियन 37.8%, जबकि यूरोपियन और दीगर अकवाम 1.1% आबाद हैं, जिनमें 76.7% मुसलमान, 17.3% ईसाई और बाकी दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। कुवैत की आबादी के आदादो शुमार को रोजाना की बुनियाद पर अपडेट किया जाता है। कुवैत का नाम पहली बार सिकंदर आजम के जमाने में इस्तेमाल हुआ। जदीद कुवैत की तारीख 17वीं सदी के आखिर और 18वीं सदी के आगाज से शुरू होती है। यहाँ आबाद होने वाला कबीला बनू खालिद सरजमीन नजद से ताल्लुक रखता था। इसी कबीले ने इस शहर की दाग बेल डाली और शहर के अतराफ में कला तामीर करवाया। कुवैत के मौजूदा हुक्मरान खानदान आले सबाह का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। आले सबाह के खानदान ने इस कला की तामीर और तरक्की में बड़ी कुर्बानियां दी थी। लोगों ने उनकी काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए 1752 ईसवी में सबाह बिन जाबिर के हाथ पर बैत की और उनको अपना हाकिम तस्लीम कर लिया। कुवैत बंदरगाह होने की बदौलत शुरू से ही एक तजारती मरकज रहा है। 19वीं सदी में कुवैत खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बन गया था। एक मुआहदे की रोशनी में कुवैत 1961 को आजादी की सुबह तुलू हुई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का पांचवा अमीर तरीन मुल्क है। गवर्नमेंट ऑफ कुवैत के दिए गए फिगर्स के मुताबिक कुवैत 1961 से 2015 तक दुनिया के 105 ममालिक को 20,000 मिलियन डॉलर का कर्ज दे चुका है, जो अमेरिका में पेश किए गए 2015 के बजट से 5 गुना ज्यादा है। याद रहे, अमेरिका का ये बजट दुनिया का सबसे बड़ा बजट था। कुवैत पर हमसाया मुल्क इराक ने हमला करके कब्जा भी कर लिया था, जिसे बाद अजां मगरबी ममालिक की अफवाज और अरब इत्तेहाद की मदद से खत्म करा दिया गया। 1961 की आज़ादी की याद में हर साल 25 फरवरी को कुवैत अपना यौम आज़ादी यौमुल वतनी के नाम से मनाता है। जश्न आज़ादी पूरे जोशो खरोश से मनाया जाता है और पूरे कुवैत में हर सू इसकी झलक दिखाई देती है।
इसी तरह कुवैत पर इराक के कब्जे से आज़ादी की याद में हर साल 26 फरवरी को यौम तहरीर मनाया जाता है। तेल कुवैत की मजबूत मईशत की बुनियाद है। फरवरी 1938 को पहली बार कुवैत की सहराई अराजी बुरकान में तेल दरियाफ्त हुआ। कुवैत के पास दुनिया के 8% यानी 101.5 बिलियन बैरल तेल के जखायर मौजूद हैं। इस लिहाज से ये दुनिया का 5वां मुल्क है जिसके पास तेल के जखायर की बड़ी मकदार पाई जाती है। पेट्रोल के अलावा गैस और बाज़ दीगर मसनूआत पर भी कुवैत की मईशत इन्हिसार करती है। झींगे दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी कुवैत है। कुवैत ने कई बैरूने मुल्क कंपनियों में भी बड़े पैमाने की सरमायाकारी की है और ब्रिटिश पेट्रोलियम में इसके शेयर्स मौजूद हैं और नीलम जेहलम हाइड्रल प्रोजेक्ट पाकिस्तान में भी इसने 40 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। कुवैत की मजबूत मईशत के बायस दुनिया भर से हुनरमंद इस मुल्क का रुख करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुवैत में गैर मुल्की तारकीन वतन की तादाद मकामी बाशिंदों के मुकाबले में दोगुना है, जिन्हें बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम किए जाते हैं। कुवैत में आइनी बादशाहत कायम है। आइन के मुताबिक कुवैत में मौरूसी हुकूमत होगी जो शेख मुबारक अस्सालिम अस्सबाह की नस्ल में विरासतन चलेगी। हुकूमती उमूर चलाने के लिए अमीर को वजीर आजम की मुआवनत भी हासिल होती है जिसे अरकाने पार्लियामेंट मुंतखिब करते हैं। कुवैत उन चंद अरब ममालिक में शामिल है जहां पार्लियामेंट के अरकान वोट के जरिए मुंतखिब किए जाते हैं। कुवैती पार्लियामेंट में खवातीन की नुमाइंदगी भी मौजूद होती है। कुवैत में अदलिया मुकम्मल तौर पर आजाद इदारा है। दस्तूर की रूह से तो यहाँ की सरकारी जुबान सिर्फ अरबी है, मगर सरकारी दस्तावेजात, आम हिदायत और इस तरह की चीजों में अंग्रेजी जुबान को भी दूसरी जुबान के तौर पर इस्तेमाल करने का रिवाज पाया जाता है। कुवैतियों की अपनी खास तहजीब है। तर्ज जिंदगी में और आदात व अतवार में अरबी और इस्लामी सकाफत की छाप नुमाया है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के बावजूद इनमें आज भी कदीम शख्सी और समाजी रिवायतें जिंदा हैं। दौलत की फरावानी के बावजूद अक्सरियत की तबीयत में वही पुरानी सादगी देखने को मिलती है। मट्टी के छोटे छोटे मकान तो आलीशान फलकबोस इमारतों का रूप धार चुके हैं, मगर कुवैत की आवाम सादा तबीयत है। यही सादगी इन्हें छुट्टियों में शहर से दूर रेगिस्तानी इलाकों में खेमे लगाकर अपनी पुरानी तहजीब से लगाव की नुमाइश पर मजबूर करती है। दीवानिया कुवैत की कदीम रिवायती सकाफत का एक नमूना है जिसका आज भी उतना ही एहतमाम होता है जितना तेल की दरियाफ्त से पहले होता था। कुवैतियों के लिबास से भी उनकी सकाफती पहचान होती है। कदीम कबायली लिबास जिसे ये लोग दशदाशा कहते हैं आज भी यहाँ के ज्यादातर मर्दों का लिबास है। नौजवान और उम्र रसीदा लोग इसी को तरजीह देते हैं। औरतें अमूमन स्याह बुरका पहनती हैं जो बदन के ज्यादातर हिस्सों को छुपाए रखता है। ताहम औरतों का आम घरेलू लिबास दरा जबून और सौब पर मुश्तमिल है। मगरबी तहजीब ने नौजवान नस्ल पर तहजीबी असरात जरूर मुरतब किए हैं, मगर फिर भी कौमी लिबास और इस्लामी अकदार की पासदारी आज भी देखने को मिलती है। कदीम जमाने से ही समुद्री गिजाएं कुवैतियों को मरगूब रही हैं। इसके साथ बकरी और ऊंट का गोश्त भी इन्हें बहुत पसंद है जिससे मुख्तलिफ किस्म की डिशें तैयार की जाती हैं। मजबूस, जरीश, हरीस और कबूत वगैरह यहाँ की मरहूब व मारूफ डिशें हैं। कुवैत दुनिया भर में इस्लाम की तरवीजो इशाअत के लिए की जाने वाली काविशों के हवाले से भी अपनी शोहरत रखता है। यहाँ सरकारी सतह पर और बहुत से प्राइवेट इदारे मसाजिद की तामीर, दीनी मदारस के क्याम, तलबा की कफालत और दीगर फलाहो बहबूद की सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। कुवैत फलस्तीन के महाजरीन और गजा के मुसलमानों की दिल खोलकर मदद करता है।
कुवैत ने शाम में जारी खाना जंगी के हवाले से 3.8 बिलियन डॉलर के करीब इमदादी रकूम फराहम की हैं। इसके अलावा सोनामी, तुर्की और फिलिपाइन समेत दुनिया भर के किसी भी खित्ते में आफात के मौके पर कुवैत अक्वामे मुत्तहिद और दीगर इमदादी इदारों के जरिए फंड्स फराहम करता रहा है। कुवैत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से मिसाली रहे हैं। इस वक्त भी तकरीबन 1,30,000 से ज़ायद पाकिस्तानी कुवैत में मुकीम हैं, जो कुवैत की टोटल आबादी का तकरीबन 4% बनते हैं, जिन्हें बाइज्जत रोजगार के मौके मुयस्सर हैं। 1971 में पाक भारत जंग के मौके पर कुवैत ने भारत और रूस के साथ सिफारती ताल्लुकात भी खत्म कर दिए थे। कुवैत में हजारों पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हैं, जबकि दीनी और तालीमी इदारों में भी पाकिस्तानी उलमा व असातज़ा कराम को मुलाजमतें दी गई हैं। कुवैत ने ही 2005 के जलजले में आज़ाद कश्मीर के लिए पाकिस्तान को सबसे पहले और सबसे बड़ी इमदाद 100 बिलियन डॉलर दी थी। ये किसी भी एक मुल्क की तरफ से जलजला 2005 के मौके पर पाकिस्तान को दी गई सबसे बड़ी इमदाद थी। कुवैत में कई पाकिस्तानी स्कूल और तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान स्कूल एंड कॉलेज सालमिया कुवैत के ओल्डेस्ट स्कूलों में से एक हैं। कुवैत एक छोटा इस्लामी मुल्क है, लेकिन इसने अपनी तेल की दौलत को इस्लाम की तरवीजो इशात के लिए इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ कुवैत के रिफाही इदारे भी दुनिया भर में दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। पाकिस्तान को कुवैत के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि कुवैत को मुल्क के अंदर सरमायाकारी और पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए रोजगार के मौके में इजाफा किया जा सके। मई 2011 में कुवैत ने सिक्योरिटी डिफिकल्ट कंडीशन के नाम पर जिन 5 मुल्कों के बाशिंदों को वीजे से बैन किया, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इस पर भी नजर सानी की जरूरत है। पैगाम टीवी।